किसी से भी कम नहीं है बिहार की बेटियां। बिहार की कई बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने टैलेंट और हुनर की बदौलत देश विदेश में बिहार का नाम रोशन किया है। बिहारी पहचान की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार की बेटी रतन राजपूत के बारे में, जिन्होंने टीवी की दुनिया में काफी कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार के समस्तीपुर जिले के बासिनपुर बेरी गांव में हुआ था। रतन राजपूत के पिता रामरतन सिंह राज्य सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हैं। रतन राजपूत 5 बहनों में सबसे छोटी हैं। रतन का परिवार फिलहाल पटना में रहता है। रतन की पढ़ाई यूपी के मेरठ शहर में हुई है। पढ़ाई के बाद रतन अपनी फैशन डिजाइनर बहन के पास दिल्ली चली गई, जहां वो थिएटर से जुड़ गई। रतन ने थिएटर निर्देशक सुरेंद्र शर्मा के निर्देशन में मैला आंचल और निर्मला जैसे प्ले में काम किया, जिसमें उनके काम को देखते हुए थिएटर गुरु सुरेंद्र शर्मा ने रतन को मुंबई में जाकर काम करने की सलाह दी। दिल्ली में रहते हुए रतन को एक बड़ा आदमी नामक सीरियल में काम करने का मौका मिला। मुंबई जाने के बाद ही कुछ दिन अचानक उनको एक सीरियल में काम करने का मौका मिला। एनडीटीवी इमेजिन के धारावाहिक राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में रतन ने रुचि का रोल प्ले किया। फिर जब राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएंगी सीरियल बंद होने वाला था, तभी रतन राजपूत को अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में काम करने का ऑफर मिल गया। इसके बाद रतन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो के द्वारा घर घर में लोकप्रिय हो गई। बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में निभाए गए लाली के किरदार ने रतन को खूब लोकप्रिय बना दिया है। रतन राजपूत ने उसके बाद रतन का स्वयंवर नाम से रियलिटी शो किया। उसके बाद बेहद लोकप्रिय और धार्मिक सीरियल संतोषी मां में रतन राजपूत ने संतोषी का किरदार निभाया। इस सीरियल ने भी सफलता के झंडे गाड़े और रतन एक बार फिर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बन गई। रतन राजपूत ने पौराणिक कथा पर आधारित सीरियल महाभारत में भी अंबा का किरदार निभाया है। रतन राजपूत ने अपनी पहचान को कभी धूमिल नहीं होने दिया। वो अक्सर भारतीय परिधान साड़ी में नजर आती हैं। रतन राजपूत अपनी व्यस्ततम जिंदगी में भी बिहार के लोकप्रिय त्योहार छठ में शामिल होने के लिए पटना अवश्य पहुंचती हैं और अर्घ भी देती हैं। रतन राजपूत को अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली का किरदार निभाने के लिए कई सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया। किसी से भी कम नहीं है बिहार की बेटियां। बिहार की कई बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने टैलेंट और हुनर की बदौलत देश विदेश में बिहार का नाम रोशन किया है। बिहारी पहचान की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार की बेटी रतन राजपूत के बारे में, जिन्होंने टीवी की दुनिया में काफी कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार के समस्तीपुर जिले के बासिनपुर बेरी गांव में हुआ था। रतन राजपूत के पिता रामरतन सिंह राज्य सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हैं। रतन राजपूत 5 बहनों में सबसे छोटी हैं। रतन का परिवार फिलहाल पटना में रहता है। रतन की पढ़ाई यूपी के मेरठ शहर में हुई है। पढ़ाई के बाद रतन अपनी फैशन डिजाइनर बहन के पास दिल्ली चली गई, जहां वो थिएटर से जुड़ गई। रतन ने थिएटर निर्देशक सुरेंद्र शर्मा के निर्देशन में मैला आंचल और निर्मला जैसे प्ले में काम किया, जिसमें उनके काम को देखते हुए थिएटर गुरु सुरेंद्र शर्मा ने रतन को मुंबई में जाकर काम करने की सलाह दी। दिल्ली में रहते हुए रतन को एक बड़ा आदमी नामक सीरियल में काम करने का मौका मिला। मुंबई जाने के बाद ही कुछ दिन अचानक उनको एक सीरियल में काम करने का मौका मिला। एनडीटीवी इमेजिन के धारावाहिक राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में रतन ने रुचि का रोल प्ले किया। फिर जब राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएंगी सीरियल बंद होने वाला था, तभी रतन राजपूत को अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में काम करने का ऑफर मिल गया। इसके बाद रतन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो के द्वारा घर घर में लोकप्रिय हो गई। बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में निभाए गए लाली के किरदार ने रतन को खूब लोकप्रिय बना दिया है।
रतन राजपूत ने उसके बाद रतन का स्वयंवर नाम से रियलिटी शो किया। उसके बाद बेहद लोकप्रिय और धार्मिक सीरियल संतोषी माँ में रतन राजपूत ने संतोषी का किरदार निभाया। इस सीरियल ने भी सफलता के झंडे गाड़े और रतन एक बार फिर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बन गई। रतन राजपूत ने पौराणिक कथा पर आधारित सीरियल महाभारत में भी अंबा का किरदार निभाया है। रतन राजपूत ने अपनी पहचान को कभी धूमिल नहीं होने दिया। वो अक्सर भारतीय परिधान साड़ी में नजर आती हैं। रतन राजपूत अपनी व्यस्ततम जिंदगी में भी बिहार के लोकप्रिय त्योहार छठ में शामिल होने के लिए पटना अवश्य पहुंचती हैं और अर्घ भी देती हैं। रतन राजपूत को अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली का किरदार निभाने के लिए कई सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।